एफ आई आर दर्ज हो, जाँच पड़ताल होनी चाहिए। इस तरह की गतिविधि को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। लगता है पप्पू यादव रंगदारी मांगे होंगे? अरे मैं अंदाज कैसे लगा सकता हूँ, किसी ने एफआईआर करवाया ना भाई, तो पप्पू यादव के खिलाफ में एफआईआर करवाना कोई साधारण बात नहीं है। तो करें, निर्दलीय जीते इसलिए सब लोग साजिश कर रहे हैं ना, उस वो तेजस्वी यादव साजिश रच रहे हैं, एक तरफ सरकार साजिश रची, सब मिलकर के तो साजिश। पप्पू यादव का अतीत को देख करके उस पर जो इल्जाम लगा है ये जाँच पड़ताल के बाद ही साफ हो। पंचायती राज विभाग ललन सिंह को मिला है, ललन सिंह से पूछिए आप कि पंचायती राज जैसे विभाग पाकर वो संतुष्ट हैं, उन्हीं से पूछिए ना। जदयू के लोग कह रहे हैं संतुष्ट हैं। नहीं नहीं, उनसे पूछिए आप, मैंने ललन जी से पूछिए, ललन सिंह से। हाँ ललन, क्या है पंचायती राज का ड्यूटी, क्या है काम उसका, तो करे वो ठीक। तो पंचायत को बनाए ब्लॉक हेडक्वार्टर, पंचायत के हेडक्वार्टर बनाए। देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है, मंत्री जो है शपथ ले चुके हैं, उनके विभागों का भी बंटवारा हो चुका है, लेकिन देखिए अब उसको लेकर के सियासत हो रही है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के सांसदों को मंत्री को झुंझुना थमा दिया गया। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, कैसे देख रहे हैं आप लोग? सचमुच बिहार का ये अपमान है, और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सरेआम पब्लिक सेरेमनी में प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश की, इससे बिहार की जनता आहत है, बिहार का स्वाभिमान पर चोट पहुंची है। तभी हम लोग को पता चल गया था कि बिहार को क्या मिलने वाला है। ये सब जो विभाग है ये कोई असरदार विभाग नहीं है, सचमुच में झुंझुना थमा दिया गया, इसको खुश रहिए। इससे बिहार की जनता में काफ़ी क्षोभ है, आक्रोश है और असंतोष है। ललन सिंह को तो पंचायती राज विभाग मिला है, जदयू कह रही है बेहतर है, काम करना चाहिए लोगों को। बस पंचायती राज विभाग ललन सिंह को मिला है, ललन सिंह से पूछिए आप कि पंचायती राज जैसे विभाग पाकर वो संतुष्ट हैं, उन्हीं से पूछिए ना। जदयू तो लोग कह रहे हैं संतुष्ट हैं। नहीं नहीं, उनसे पूछिए आप, मैंने ललन जी से पूछिए, ललन सिंह से। हाँ ललन सिंह से पूछिए। अच्छा ललन सिंह पूछिए, क्या है पंचायती राज का ड्यूटी, क्या है काम उसका, तो करे वो ठीक। तो पंचायत को बनाए ब्लॉक हेडक्वार्टर, पंचायत के हेडक्वार्टर बनाए, जो पंचायत के जितने भी कामकाज है, आशा रसोईया से लेकर के शिक्षक चौकीदार, आपको जो है तमाम काम पंचायत में हो ना, विकेंद्रीकरण हो, हम उम्मीद करते हैं कि होना चाहिए, नहीं तो बिहार विधानसभा में उठेगा सवाल। बिहार का जिस तरह से अपमान माननीय मुख्यमंत्री ने किया, ये सवाल बिहार विधानसभा में हम लोग जोरदार ढंग से उठाएंगे। आप लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ जो है आरक्षण छीन लिया जाएगा, लेकिन मांझी जी और चिराग जी को तो कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। अरे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया तो इससे लोकतंत्र बच जाएगा? लोकतंत्र अगर खतरा में नहीं है तो बिहार के जितने मंत्री को जो पद दिए गए ये बिहार का सम्मान है? लोकतंत्र का अपमान और लोकतंत्र पर खतरा की शुरुआत तो मंत्रिमंडल के गठन और विभाग के विभाजन के समय ही शुरू हो गया। ये तो खतरा है लोकतंत्र का, यही मिलना चाहिए बिहार को। अब मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, पटना देश का सबसे पुरातन यूनिवर्सिटी जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा लेने में कामयाब होंगे नीतीश कुमार जी, जिस तरह से उन्होंने समर्पण किया एक सामंत के सामने, जो खेत मजदूर समर्पण करते हैं, गोर चुते हैं, ये करना चाहिए। इसी के लिए बिहार की जनता ने आपको चुना है, बिहार का गौरवशाली अतीत को आपको आसमान की बुलंदी तक पहुँचाना चाहिए था, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना था, वहाँ गोर चुने के लिए नहीं भेजा आपको। बिल्कुल, आप कह रहे हैं गौर छूने के लिए नहीं भेजा गया है, लेकिन एक तरफ पप्पू यादव का मामला अब सामने आ रहा है, उन पे आरोप लग रहा है कि व्यवसायी से 1 करोड़ रुपया रंगदारी मांग दिए, अब तो एफआईआर दर्ज हो गया है। बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो, जांच पड़ताल होनी चाहिए, इस तरह की गतिविधि को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। लगता है पप्पू यादव रंगदारी मांगे होंगे? अरे मैं अंदाज कैसे लगा सकता हूँ, किसी ने एफआईआर करवाया ना भाई, तो पप्पू यादव के खिलाफ में एफआईआर करवाना कोई साधारण बात नहीं है, कोई खेत मजदूर पर एफआईआर नहीं हुआ है। वो तो कह रहे साजिश के तहत पचाया था। तो साजिश पप्पू यादव के खिलाफ कौन साजिश कर सकता है, ये बड़ी बात है, ये तो हो जाँच पड़ताल इसकी। वो तो कह रहे निर्दलीय जीते इसलिए सब लोग साजिश कर रहे ना, उस वो तेजस्वी यादव साजिश रच रहे हैं, एक तरफ सरकार साजिश रची, सब मिलकर के तो साजिश। पप्पू यादव का अतीत को देख करके उस पर जो इल्जाम लगा है ये जाँच पड़ताल के बाद ही साफ होगा, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे।
ठीक ना। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे भाजपा के विधायक हैं और विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। इन्होंने कहा है कि जो पप्पू यादव पे आरोप लगा है और जो FIR दर्ज हुआ है वो तो जांच का विषय है, लेकिन कोई साधारण आदमी पे आरोप नहीं लगा है। वहीं पे जिस तरीका से बिहार के 8 सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए वास्तविकता में झुंझुना थमाया गया। वहीं ललन सिंह को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए ललन सिंह को जो विभाग मिला है उस विभाग में वो काम ही क्या कर सकते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।